नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, जैसा कि हमने कई प्रीवियस वीडियो में बताया सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के और पोर्टल के बारे में, तो हमने कई वीडियो में बताया कि सहारा कार्यालय से ही हम सभी सहारा पीड़ितों के भुगतान के संकेत मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है सहारा भुगतान को लेकर के। देखिए दोस्तों, हम लोगों का भुगतान अब कार्यालय के माध्यम से ही संभव होगा। वो हर प्रयास हम लोगों ने किया है जो प्रयास नहीं करना चाहिए था भी, अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम लोगों को अनेक प्रयास करने पड़े। देखिए, पोर्टल पर धीरे धीरे अभी रिसबमिशन करने का ऑप्शन था, लगभग दो वीक एगो फिर से रिसबमिशन बंद हुआ, पोर्टल धीरे धीरे जो है बंद हो रहा है। पोर्टल पर जो कार्य है बहुत ही ढीलापन से हो रहा है, इससे समझ में यही आ रहा है और जो है भुगतान कार्यालय के माध्यम से संकेत ज़्यादा दिख रहे हैं। ब्रांचेस खुलेंगे, ऑफिस खुलेंगे, ऑफिस के माध्यम से ही सभी गरीब सहारा पीड़ितों का भुगतान किया जाएगा, ऐसी खबर लगातार निकल कर आ रही है। अभी लाइव आप सभी को प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कार्यालय से भुगतान मिलेगा या पोर्टल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा। हम आपका समय ना वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कि पोर्टल पर काम बहुत स्लो हो गया है या आप कह सकते हैं कि लगभग बंद सा हो गया। अब आपका जो रिसबमिशन था वो हो नहीं रहा। जो लोग 5 लाख रुपए तक की बात कर रहे थे वो पोर्टल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पोर्टल के काम को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही। और वो उसमें खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है दोस्तों कि सितंबर के महीने में जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिन सुनवाई है, लगातार 3 दिन मतलब 3, 4, 5 सितंबर, इन 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई लगातार 3 दिन तक सिर्फ इसी टॉपिक पर अगर सुनवाई की तैयारी है और अगर कोई अनहोनी ना हो खुदा न खास्ता, तो इस बार इस 3 तारीखों में जो निचोड़ निकल करके आने वाला है उसकी तैयारी अभी से सहारा के प्रबंधन, सहारा के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सहारा के बहुत विश्वसनीय लोग अपनी बैठकों में अपनी में इसकी तैयारी शुरू कर दिया है। और उसी के तहत पोर्टल से भी जो मामला बन रहा है स्लो होता आपको दिख रहा है वो उसी की देन है। जानकारी ये आ रही है कि यदि और अगर सितंबर के महीने में, जैसा कि हर आदमी इस आशा और विश्वास के साथ बैठा है, इस उम्मीद के साथ बैठा है कि आने वाले सितंबर में के 3 मेगा सुनवाई में कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा और न्याय सहारा पीड़ितों के पक्ष में ही आना चाहिए और सहारा पीड़ितों की जनमत से आप पता करा लें। कोर्ट को भी इस बात का एहसास होगा कि सहारा के पीड़ित लोग अपना पैसा सहारा की ब्रांच से चाहते हैं, वो पोर्टल से, सेबी से या अन्य वेरिफिकेशन करा करके वो नहीं देना लेना चाहते हैं। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है दोस्तों
खुशखबरी है कि संभवतः जैसे ही फैसला आ जाएगा पैसा आपका आपको ब्रांचों से मिलना शुरू हो जाएगा। और न्यायालय से भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह से पोर्टल फेल है, पोर्टल में अब और स्लो हो गया है, उसका काम ही नहीं कर रहा है। और जस्टिस जो हमारे न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, उनकी रिटायरमेंट अक्टूबर नवंबर में है और हम लोग उम्मीद करते हैं उसके पहले वो 13 करोड़ लोगों को के चेहरे पर खुशी देकर ही रिटायर होना पसंद करेंगे। और सहारा भी पूरी मुस्तैदी से तैयार है, बस आप देखते जाइए, फैसले की घड़ी आने दीजिए, फैसले की घड़ी आते ही आपके दुख की घड़ी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, इन्होंने बताया है वसीम खान जी ने कि पोर्टल जो है धीरे धीरे बंद हो रहा है, इनकी बात एकदम क्लियर है और ऐसा 100% है। आप लोग खुद समझ लीजिएगा, पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो पाएगा और पोर्टल पर रिसबमिशन करने का ऑप्शन भी आया था कुछ दिन पहले, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया, जैसा कि अभी हमने 2 मिनट पहले आप सभी को बताया था। तो हम लोगों का भुगतान जो है कार्यालय के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा। और वैसे भी आप लोगों की भी मालूम होगा कि पोर्टल ये चलेगा नहीं ज़्यादा दिन, केवल और केवल हम लोगों को फंसाने के लिए पोर्टल लाया गया। और माननीय सहकारिता मंत्री जो हैं वो राजनीति के चाणक्य कहे जाने लगे हैं, उन्होंने पोर्टल लाकर यह साबित कर लिया कि इसमें कितने निवेशक बंधु सहारा इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है। हम लोगों के लिए पोर्टल ला दिया, 10,000 रुपये वाला लॉलीपॉप थमा दिया, जिससे अभी जो चुनाव हुआ है इसमें लॉलीपॉप मिल जाए, इसी कारण ये हम लोगों के लिए पोर्टल लाया गया था। लेकिन पोर्टल के माध्यम से हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया है दोस्तों, अब भुगतान जो है कार्यालय के माध्यम से ही होगा, चाहे जिस दिन से स्टार्ट हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी PIL या रिट याचिका दायर की गई हो तथा अनेक केस भी लिस्टेड हुए, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ हमको डेट पर डेट मिली। हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ, कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब हम लोगों की सुनवाई होने वाली है, क्योंकि पोर्टल धीरे धीरे रद्द हो जाएगा, फेल हो जाएगा और फिर कार्यालय के माध्यम से ही भुगतान होगा। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि भुगतान आप लोग किस प्रकार से लेना चाहते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।